गुड मॉर्निंग गाइस, मैं बना रही हूँ यहाँ पर सुबह का नाश्ता बच्चों का। तो मेरा ब्लॉग जो है आज सुबह से ही स्टार्ट हो गया है, मैं सुबह से ही तैयारी करने लगी हूँ। आजकल मैं सुबह से ही अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू वाले सैंडविच, वेज सैंडविच बना रही हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए मैंने सिर्फ आलू ही डाला है। और आलू के अंदर मसाले में मैंने कुछ नहीं डाला है, नमक डाला है, धनिया डाली है, मिर्ची डाली है और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है। इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है मैंने, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। इसके अलावा बच्चे सब नहीं खाते हैं मेरे, परेशान करने लगते हैं वो, तो मैंने सादा ही बनाया है। वैसे प्याज टमाटर डाल के उस तरीके के भी डाल बना सकते थे, पर वैसे वो नहीं खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं, इसलिए मैंने इसी तरीके से बनाए हैं। आजकल मैं अपना सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में टाइम नहीं मिलता है। मैंने आज फिर इसके बाद कंटिन्यू भी नहीं कर पाया है ब्लॉग, नाश्ता ही बस बनाया है, इसके अलावा मैंने फिर कंटिन्यू भी नहीं किया है क्योंकि काम आ गया था कुछ, इसलिए नहीं कर पाई हूँ। तो सॉरी, आप लोग माइंड मत कीजिएगा और उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ। और बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, आप लोग बताते नहीं हो, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं। और बताइएगा कि क्या देखना चाहते हो आप मेरे ब्लॉग में, तो फिर और कुछ कमी हो तो वो भी बता दीजिएगा कि क्या कमी है आपके ब्लॉग में, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से पूरा 100% देने का, बाकी सब भगवान के ऊपर है। क्योंकि अगर चलना होगा तो चल जाएगा, नहीं चलना होगा तो कोई बात नहीं है। मैंने वैसे भी सोच लिया है कि मैं कुछ दिन और सोचूंगी क्योंकि मेहनत करते करते मैं थक गई हूँ, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ मेहनत करते करते कि कुछ नहीं हो रहा है। तो बस मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ और इस तरीके से मैंने जो है अपने सैंडविच बना लिए हैं। उस पर थोड़ा सा घी लगाया है तवे के ऊपर, अभी मेरे पास नॉन स्टिक तवा नहीं है, मैं ले आऊँगी क्योंकि अभी तक मैं मतलब बनाती हूँ तो इसी तरीके से बना लेती हूँ। इसके अंदर आलू भर दिया और बना दिया बस। तो डोसा मैं नहीं बनाती हूँ वरना ले आती नॉन स्टिक वाला तवा, पर ले आऊँगी, अभी लाई नहीं हूँ, जाके ले आऊँगी, टाइम मिलेगा जैसे ही। तो ऐसे ही बच्चे ले जाते हैं, कुरकुरे खा लेते हैं, अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद लगते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके चारों तरफ से निकाल देती हूँ, लगी रहती है ना चारों तरफ परत, उसको निकाल देती हूँ और उसके बाद आलू भर के बना लेती हूँ मैं। तो बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगते हैं। अभी आजकल थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठंडी हुई नहीं है। तो बस स्वेटर पहने हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपार्श कॉर्नर ब्लॉग में। तो आप कैसे हैं बताइएगा दोस्त। और मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आज मेरा सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट हो गया था, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं। कल भी मेरा ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट हो गया था और आज जैसे कि बच्चों के स्कूल के जाने के लिए टिफ़िन तैयार किए थे, अभी तो डिक्टेशन के पेपर हो रहे हैं, कल से अदिति के जो है एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, अभी तो डिक्टेशन हो रही थी तो कुछ नहीं है उसमें तो। और कल से जो है हो रही है एग्ज़ाम शुरू, 28 तारीख से होंगे भैया के एग्ज़ाम शुरू। तो फिर आज मैं कल आज बाकी का ब्लॉग मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, खुजली हो रही है पता नहीं क्यों। तो बस उसके बाद से मैंने ब्लॉग कंप्लीट ही नहीं किया। और खाना पीना मेरा हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा बन गया है, झाड़ू पोछा तो सुबह में ही हो जाता है, बर्तन भी धो के रख दिए हैं मैंने, दूध वगैरह सब हो गया है। मतलब अब मैं फ्री बैठी हूँ, फ्री बैठी थी तो सोचा ब्लॉग ही कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि खाने का तो मैंने दिखाया ही नहीं, फिर आगे का कुछ किया ही नहीं। और वैसे भी फिर ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि सुबह लंच का जो दिखा दिया, बच्चों के लंच का दिखा दिया था, तो उसके बाद फिर तो बनाती तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता ब्लॉग, इसलिए नहीं बनाया है ब्लॉग बड़ा। और थोड़ी सी मेरी बेटी बोल रही थी वॉइस कम है आपकी, तेज़ बोला करो, पर इतना ही ठीक है, मुझे आपकी तेज़ बोलने की आदत नहीं है, बोलती तो हूँ पर ऐसे कैमरे के सामने थोड़ा सा डर लगता है। तो चलिए फिर आज मैं अपनी अदिति के छोटे गोल्ड इयर रिंग्स दिखा रही हूँ, लाइट वेटेड, जो कि कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ भी पहन सकती हैं और बच्चे तो पहन ही सकते हैं छोटे छोटे। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए दिख रही है, एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल ज़रा ज़रा से शायद देख पा रहे होंगे आप लोग, बहुत ही खूबसूरत है। अब तो दिख रहा है बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, जो कि कॉलेज गोइंग गर्ल भी पहन सकती हैं,
आसानी से वियर कर सकती हैं उनको कॉलेज में, सूट जीन्स या किसी भी चीज़ के साथ पहन सकती हैं। वैसे और ये जो दूसरी है ये बिल्कुल गोल में है, इसमें थोड़ा सा लटकन है, देखिए बहुत ही सुंदर लगते हैं, यूनिक है एकदम। और इसमें पीछे सोने का पेच लगा हुआ था, वो अदिति ने खो दिया है क्योंकि बच्चे हैं, उससे गिर गया, छोटा सा छोटे छोटे थे सोने के पेच थे तो गिर गया है, पर बहुत ही सुंदर लगते हैं इसको, तो हम लोग भी पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसको हर बार बर्थडे पे उनके पापा कुछ ना कुछ गोल्ड का दिला देते हैं, कभी कभी नहीं दिलाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि दिला ही देते हैं, पर ज़्यादातर दिलवा ही देते हैं। तो ये वाले बहुत ही सुंदर लगते हैं, इनको हम लोग भी पहन सकते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल भी पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकते हैं, टीनेज भी पहन सकते हैं, बच्चे भी पहन सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक उसके पास ये है, ये देखिए एक कुंडल जैसे है, एक जोड़ी उसने पहन रखे हैं अभी, देखिए कुंडल जैसे दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये भी छोटे छोटे हैं, बहुत सुंदर। अब वो छोटी है, इतनी बड़ी तो है नहीं है, ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं पहनने पे, आप लोग भी ले सकते हैं ऐसे। बस ऐसे ही बैठी थी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और एक है, ये भी बहुत ही सुंदर है, तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, कोई भी पहन सकता है इनको तो। ये सिंपल प्लेन रिंग है, सिंपल है एकदम, लाइट वेटेड है, सबसे बड़ी बात लाइट वेटेड है, तो कोई भी पहन सकता है, क्योंकि आजकल की लड़कियां ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं पहनना पसंद करती हैं। और एक छोटी सी पतली तार वाली है, तो इनको भी पहन सकते हैं आप लोग, वेयर कर सकती हो आप लोग, कोई भी ले सकता है। तो फिर बताइए अगला, मैं अगर आप लोग बोलेंगे तो मेरे पास नोज रिंग भी रखी हुई है, अच्छी सुंदर सुंदर है, वैसे तो मैं नहीं पहनती हूँ ज़्यादा, एक पहनती हूँ तो पहने ही रहती हूँ। आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को देखनी हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और बताइएगा कि आप लोगों को मेरी अदिति की गोल्ड ईयर रिंग्स कैसे लगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कर देना लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर चैनल पर आए हैं पहली बार तो कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और इस वीडियो का कर देती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।